भोपाल में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे महज 9 साल की बच्ची ने चलाना शुरू किया और अब उस बच्ची की लाइब्रेरी की चर्चा सब जगह है। अब पूरा देश इस बच्ची के साथ है। साल 2015 की बात है, एक कंपटीशन जीतने के बाद मुस्कान को 25 किताबें तोहफे में मिली थी। वो उन्हें लेकर काफी खुश थी। किताबों को पढ़ने के बाद वो कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को वो किताबें पढ़ने के लिए देने लगी और बाद में उन्हें वापस ले लेती थी। धीरे धीरे काफी लोग उससे जुड़ने लगे, जिसके बाद राज्य शिक्षण केंद्र ने भी मुस्कान की मदद की और मुस्कान को बहुत सी किताबें उपलब्ध कराई। धीरे धीरे मुस्कान ने छोटी सी लाइब्रेरी बना ली और सभी किताबों का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखने लगी और अब पूरे देश में मुस्कान की लाइब्रेरी की चर्चा है। विदेशी चैनल ने भी इस बच्ची के कई इंटरव्यू लिए हैं। मुस्कान की कहानी इसलिए भी प्रेरित करती है कि झुग्गी में रहने वाली बच्ची ने समाज के लिए इतना बेहतरीन कदम उठाया जो कि अब मिसाल बन गया है। भले ही सरकार शिक्षा का अधिकार कानून ले आई हो, लेकिन इसके तहत अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है और अब इस लाइब्रेरी के माध्यम से मुस्कान उन गरीब बच्चों की मदद कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।